है एवरी वन वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास आई एम एयर एजुकेटर निकिता करगेटी इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सो स्टूडेंट टूडे वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरी वीन्स एंड कैपेलरीज आर्ट्री वीन्स एंड कैपेलरीज तो वॉट इज आर्ट्री वट इज वीन्स एंड वट इज कैपलरीज सो इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि आर्ट्री किसे कहते हैं वीन्स किसे कहते हैं एंड कैपेलरीज किसे कहते हैं सो दिस इज दक्चर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सो यहाँ पे हम समझेंगे कि वट इज आर्ट्री वट इज़ वीन्स एंड वट इज कैपेलरीज दिस इज हार्ट एंड दिस रेड वेसल्स इज कॉल्ड आर्ट्री दिस इज वीन्स ब्लू वेसल्स कॉल बीस एंड दीज वेसल्स आर कॉल्ड कैपेलरीज सो नाउ लुक एट हेयर हार्ट हार्ट से एक वेसल निकली जो कहाँ गई बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ भी ये वेसल्स ब्लड को हार्ट कैरी कर रही है हार्ट से ब्लड जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स में ये वेसल्स कैरी कर रही है अपने साथ ब्लड और ये ब्लड है ऑक्सीडाइज ब्लड जिसका मतलब है कि जिसमें क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है सो so, हार्ट से जब ब्लड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाएगा तो इसे हम कहते हैं आर्टरी हार्ट से जब ब्लड वो भी डिऑक्सीडाइज ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाएगा तो वो कहलाई आर्टरी। वही जब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाएगा तो हमें पता है कि स्मॉल स्मॉल से वेसल्स भी आएंगी वेसल्स मीन्स क्या कहते हैं वैसल्स को हम पाइप कहते हैं तो समझ लीजिए कि स्मॉल स्मॉल यहाँ पे वैसल्स भी आएंगी सो so, यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टरी से क्या हुआ आर्टरी ने अब जो छोटे छोटे से वेसल्स हैं उनको क्या दिया ब्लड दिया जो बॉडी के और ऑर्गन्स तक क्या पहुँचेंगे ब्लड को पहुँचाएंगे अब ये ब्लड था ऑक्सीडाइज ब्लड ये ऑक्सीडाइज ब्लड जब बॉडी के ऑर्गन्स अपने बॉडी में यूटिलाइज कर लेंगे तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे डी ब्लड में ये डीऑक्सीडाइज ब्लड फिर जाएगा वापस कैपिलरीज की तरफ एंड देन ये कैपिलरीज इसे किससे दे, दे देंगी वीन्स को दे देंगी सो so, कैपिलरीज क्या कहलाएं स्मॉलेस्ट वेसल कहने कैपिलरीज को ये कहाँ कैसे किस तरीके का काम करती है आर्टरी एंड वीन्स के बीच में आ, ये प्रेज उनके बीच के एक बॉन्ड के की तरह काम कर सकती है कह सकते हैं हम so, सो यहाँ जब बॉडी के ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे वीन्स कहेंगे सो दिस इज़ डिटेल अबाउट ब्लड वेसल्स तो हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं ये समझिए कि ये आपका एक आपका घर है राइट आपके घर में एक मेन प्योर वाटर का वाटर की सप्लाई हो रही है तो वो क्या है प्योर वाटर की सप्लाई एक पाइप से हो रही है उस पाइप से फिर डिफ आपके किचन की तरफ आ, अलग छोटा सा पाइप किया है वॉशरूम की तरफ अलग 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 रूम्स में अलग अलग पाइप्स गए हुए हैं ओके सो ये पाइप्स क्या कर रहे हैं और और रूमों में वाटर की सप्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं सो ये तो हो गया एक मेन सप्लाई जो क्या ला रही है प्योर वाटर ला रही है सो so, हम ये हो गई मेन सप्लाई एंड ये क्या है ये कैप ये आ, क्या है छोटे छोटी, -छोटी पाइप्स हैं जो और पार्ट्स में और रूम्स में क्या पहुंचा रही वाटर को पहुंचा रही हैं राइट right? इसके बाद ये कहाँ जाएंगे आ, ये जब वाटर यूटिलाइज हो जाएगा बर्तन धोएंगे या फिर नहाएंगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा गंदा होगा राइट सो ये क्या है अनप्योर वाटर है सो so, ये अनप्योर वाटर क्या है घर से वापस बाहर भी तो भेजेंगे सो so, ये क्या कहलाया ये हाँ, ये क्या है अनप्योर वाटर की सप्लाई हो गई यहाँ पे तो इसी तरीके से क्या होता है कि बॉडी में भी वेसल्स कुछ इसी तरीके का काम करती है आर्टरी क्या लाएगी एक प्योर वाटर मतलब हम कह सकते हैं सॉरी प्योर ब्लड लाएंगी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज ब्लड लाएंगी वहीं वीन्स क्या करेंगी डी ब्लड को किसे देंगी हार्ट को कि उसे दोबारा प्योरीफाई कर सकें सो दिस इज द डिटेल अबाउट ब्लड वेसल्स सो so, अब हम इसके कुछ मेजर टाइप्स की बात करते हैं सो so, ब्लड के कुछ मेजर टाइप हैं पहला क्या दीज आर दी मेजर टाइप्स कुछ डिटेल में आज आज पढ़ेंगे हम इन कुछ कल पढ़ेंगे सो so, पहला क्या है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है हमने अभी देखा कि आर्टरी में कैसा डायरेक्शन था हार्ट टू डिफरेंस पार्ट्स ऑफ बॉडी तो हम कह सकते हैं कि आ, आर्ट्री में क्या होता है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड कैरी होता है या डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है सो यहाँ डायरेक्शन हमें पता चल गई हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या फिर बॉडी ऑर्गन्स देन वीन्स में मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑर्गन से किसकी तरफ हार्ट की तरफ जाता है तो ये भी हमें ईजिली समझ में आ गया कि कैसी डायरेक्शन होगी लास्ट आई कैपेलरीज कैपेलरीज क्या काम कर रही थी ये ब्लड को कैरी करती है आर्ट्री एंड कहाँ आरटी टू वीन्स दोनों की दोनों से ब्लड कैरी करती है आर्टरी को आर्टरी से लेगी एंड देन उसे वीन्स को दे देगी तो ये दो ये क्या कर रही है इसके साथ एक बॉन्ड टाइप का वर्क कर रही है देन हम देखेंगे काइंड ऑफ ब्लड कि किस टाइप का किस काइंड का ब्लड होता है सो so, हमने देखा था इससे पहले कि ब्लड किस जब हमने आर्टरी से मतलब कि हार्ट टू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें वहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जा रहा है तो वो ब्लड कैसा कहलाया ऑक्सीडाइज्ड ब्लड तो हम काइंड ऑफ ब्लड क्या कहेंगे ऑक्सीडाइज ब्लड एक्सेप्ट पलमेनेरी वी आर्टरी पलमेनेरी आर्ट्री को छोड़ के बाकी जित आर्टरी में क्या होता है ऑक्सीडाइज ब्लड uh, होता है अब ऐसा क्यों होता है इसे हम uh, जानेंगे ब्लड uh, सर्कुलेशन में देन डिऑक्सीडाइज ब्लड होता है आपके वीन्स में क्योंकि हमने देखा था कि जब बॉडी के ऑर्गन सब ऑक्सीडाइज ब्लड को यूटिलाइज कर दे रहे हैं देन उसे किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं uh, डी में तो हम कह सकते हैं कि वीन्स में कैसा ब्लड होगा डी ब्लड होगा सिर्फ पल्मोनरी वीन्स को छोड़ के एंड यहाँ पे क्या होता है कैपेलरीज uh, में यहाँ पे ऑक्सीडाइज ब्लड डीऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाता है क्यों होता है ये भी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर वाइज समझा चुकी हूँ कि आप पहले आर्टरी से ब्लड आया आपकी कैपिलरीज में कैपिलरीज में आ, ने आप बॉडी डिफरेंट के बॉडी पार्ट्स को दिया एंड देन यूटिलाइज्ड हुआ वो देन अगेन कैपिलरीज के थ्रू डिऑक्सीडाइज ब्लड की through, तरफ गया विन्स की तरफ तो हम कह सकते हैं कि ब्लड चेंज हुआ ऑक्सीडाइज से डीऑक्सीडाइज्ड फिर आती है इसके ब्लड प्रेशर की बात देखो अगर आर्टरी मैंने कहा कि हार्ट से किसकी तरफ जा रहा है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ तो हार्ट से कनेक्टेड है जिस इसका मतलब क्या है कि प्रेशर क्या होगा हाई होगा वही वीन्स की बात आती है तो वीन्स में कैसा प्रेशर होगा लो क्योंकि वहाँ पे क्या है ब्लड क्या हो रहा है आ, कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडाइज ब्लड डिऑक्सीडाइज में तो वो क्या होगा आ, प्रेशर उसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हार्ट की नज़दीक नहीं है सो so, प्रेशर क्या पड़ेगा कम पड़ेगा वहीं हम बात करें कैपेलरीज की तो कैपेलरीज में क्या होगा कैपेलरीज़ में प्रेशर लो होगा क्यों क्योंकि देखिए अगर आपने आ, आप खाना खा रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप टू मिनट्स में ख़त्म कर लो आपको थोड़ा टाइम चाहिए तभी डाइजेशन अच्छे से होगा वैसे क्या है ब्लड जब आया कैपिलरीज के थ्रू सो वहाँ पे क्या लगेगा वहाँ पे ब्लड कुछ टाइम के लिए रुकेगा तभी तो उस ब्लड ऑक्सीडाइज ब्लड का यूटिलाइजेशन होगा एंड तभी वो डिऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होगा सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा लो होगा सो अब हम देख लेते हैं इसे डिटेल में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आर्टरी में कैसा होगा कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन वीन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी कैपिलरीज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टियोलेस टू वेन्यूलेस सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर ये आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू